काटूंगी, तो तुम्हारे कुकों का सर चुकाकर काटूंगी। इस स्कूल में आप जैसे अलहदा हो, बेहतर है कि ऐसे कुल दुनिया से जल्दी साफ हो। वही संसार में सत्य भूलते हैं जो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलते हैं। मैं कि आप जैसे कृत धन तो मुझे ऐसे सरोकार नहीं। आप केवल इतना कह दीजिए कि मेरे साथ कोई कौन सार नहीं। दोनों में से जो पसंद हो मंजूर कीजिए और इस झगड़े को दूर कीजिए। मैं तो ये जानता था कि तू मेरे दिल में उसकी रक्षक होकर बसेगी, ना कि उल्टा सांप बनकर फंसेगी। ओ जालिम, आज तक तू मुझको अमृत के झाके में भीख पिलाती रही रही। ओ मैं उत्पन्न महेश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा और इस पाप को कहां छिपाऊंगा। मुझको जिंदगी की जरूरत नहीं सिवाय तेरे इश्क छुटकारे की कोई सूरत नहीं। और मेरे जख्मी दिल को मरहम पट्टी करते रहे, मगर सब कि तुम भी इस बदनसीब का साथ छोड़ जाते हो और मेरी ओर से मुंह मोड़ जाते हो। सच है शिवा भक्ति में कब कोई किसी का देता है, मुश्किल में साया भी इंसान से जुदा रहता है। हे परमेश्वर, अब तेरी दुनिया में न कोई मेरा सहायक रहा और न मैं किसी का मुंह दिखाने लायक रहा। तू जल्दी मुझको इस दुनिया से उठा ले और अपनी आनंद में गोद में बिठा ले। मौत, मेरी प्यारी मौत, आ आ, आप अधिक देर
के लिए आता हूँ। सोने का समय नहीं, इस समय जगाना योग्य नहीं। आप इतना काम कीजिए, रामचंद्र को यहीं भेज दीजिए। बहुत अच्छा, अब मैं जाता हूँ और रामचंद्र को आपका संदेश सुनाता हूँ। और ये हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, है तो है, चित पर कैसी बेकारी है। बेटा, आओ सड़क कर से लग जाओ, मेरी आखिरी इच्छा को पूरी कर लो। आ रहा है, आए ये क्या कर...
लाजिम हुआ और आपके इस प्रकार परेशान होने का कारण क्या हुआ? एक रात में ही इस कदर तब्दीली हो गई, आपके चेहरे की रंगत भी पीली हो गई, आंखें बिल्कुल पथरा गई और अंदर को धसी जा रही है। आखिर कोई वजह तो बताओ, आपको क्या हाल हुआ? मगर क्या किया जाए, आपकी जबान हिले तो कोई रोग का पता चले। माता जी, अगर कुछ मालूम हो तो आप ही बताइए। मालूम तो है, इसका उपाय हमारे हाथ में है। माता जी, शीघ्र बताएं और मेरा संदेह मिटाएं। बात तो मामूली है, मगर पूरी करो तो बताऊं। माता जी, आश्चर्य यह है कि आप आज किस प्रकार की बातें कर रही हैं और ठीक बात करने पर भी क्यों इतना डर रही हैं? रामचंद्र जैसा पिताजी का ताबेदार है, वैसे ही आपका भी फरमा बरदार है। आपकी आज्ञा से चलती आग में कूदने को तैयार हूँ। आपकी और पिताजी की आज्ञा मुझे एक समान है और मेरी जान हर समय आपके चरणों में कुर्बान है। बेटा, महाराज ने मुझसे स्वयं प्यार किया था, हमारे लिए 14 साल का विवाह और घर के लिए राज्य का इकरार किया, मगर अब अपने कौल को पूरा होते हुए मैं देखकर मुझे उभार रहे हैं और इसने अपने हाथ का मार दिया, इसलिए इतना हैरान हो रहे हैं और वृद्धा ही इतने परेशान हो रहे हैं। यह तो बिल्कुल मामूली सा काम है, जब तक इस आज्ञा का पालन न कर लूं, अयोध्या में तो क्या किसी भी बस्ती में पांव नहीं रहूंगा। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, 3 गुजर से क्या देर लगती है, जब अनगिनत नदियां गुजर गई, संसार चार 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे, आखिर ये घटेंगे ही, बचने से तो रहे, अन्वेषण ठहर के, एक दिन तो कम को ही कम हो जाएगा, और मैंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मेरे लिए भरत और रामचंद्र दोनों बराबर हैं। भरत ने राज्य किया तो क्या, रामचंद्र ने किया तो क्या, मगर ये कहने लगे कि हमारे कुल की आन जाती है। माता जी, यह तो साधारण सी बात है, परमेश्वर न करे यदि कोई कठिन कार्य भी आन पड़े तो रघुकुल की आन तब भी शान के साथ है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है, मेरे नाम अविरवाना हो जाओ और अधिक देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर होता है और उनका दुख और भी विशेष होता है। ओ बेहया, वैसे तो तूने मुझे जलाकर खाक कर दिया,
लेकिन अब सच्चाई को भी बनाए ताक पर रख दिया। हाय हाय ऐसा जुल्म कि पाप तो सब करती है और दांत मुझ पर धरती है। मौत का पैगाम है मगर तुझको क्या, तुझको तो अपनी मतलब फरोशी से काम है। मगर याद रख दुखियों के साथ हंसी करना मुनासिब नहीं और किसी का जख्मी जख्मों पर जख्म नमक छिड़कना वाजिब नहीं। मेरी अवस्था इस समय काबिले रहम है मगर तुझको ना मालूम किस बात का वहम हो गया। ईश्वर के वास्ते जल्दी मेरा
तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का अधिक हक है। बेशक इसमें क्या हक है, ओ स्वामी जी की अपेक्षा तुम पर मेरा अधिक हक है। जब मैं मान चुका हूँ तो इसका बार बार दो होना बेफायदा है। वाणी से या दिल से? दिल से ही नहीं बल्कि सच्चे दिल से। तो अब आ गए काबू में। अच्छा तो मेरा हुक्म है तुम बन रह जाओ। अगर कोई कारण तो बताओ। फिर वही आदर मात्र का सवाल। माता जी मैंने आपकी